हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लाई हूँ ग्रीन टी का ऐसा फ्लेवर। शायद ही आपने ट्राई किया हो कभी, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, जिन जिनको ग्रीन टी पीनी पसंद नहीं है, पहले मुझे भी नहीं थी, क्योंकि पता है मैंने एक बार लिप्टन ग्रीन टी पी थी, या फिर मुझे ध्यान नहीं, पर थी वो ब्रांडेड वाली, पर मुझे टेस्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मुझे लगता था लोग कैसे ग्रीन टी पी लेते हैं, तो उसके बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं। पर जब मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी में आई, तो फिर मुझे थोड़ी सी इसकी ज़रूरत लगी, और अब मैं इसकी हैबिचुअल हो गई हूँ। 2 से 3 महीने हो गए हैं और ये पीना मुझे, जैसे कहते हैं ना चाय की लत लग जाती है, वैसा ही ग्रीन टी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पर इसको लिमिट में पिए, बहुत ज़्यादा इसको ना पिए। बहुत ज़्यादा पीना भी या बहुत बार पीना भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा मग है जिसको मैंने हाफ कप ही लिया है, तो आप भी इसी तरीके से पूरा मग भर के ना लें। सोचिए ग्रीन टी अच्छी है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, तो आप इसको पूरा भर के लें। तो यहाँ पे मैं इसके बेनिफिट्स नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि आप ग्रीन टी की रेसिपी शायद इसीलिए ढूंढने आए होंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वो कितना फ़ायदेमंद है आपकी वेट लॉस की जर्नी में। तो चलिए इसको सीधा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक बाउल और साथ ही 1 कप भर के, ये मग वाला कप है, ये चाय वाला कप नहीं है, पूरा 1 कप हम डालेंगे इसमें पानी। और उसके बाद हम रखेंगे गैस को ऑन होने के लिए। तो जब तक पानी उबल रहा है, इसमें हम डालेंगे हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले यहाँ मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून सौंफ, और जब तक हमारा सौंफ पानी के साथ उबलने वाला है, तब तक हम एक और इंग्रेडिएंट लेके आते हैं। चलिए, तो यहाँ हम आ गए हमारे गमले में, और देख सकते हैं ये पहचानिए, ये मेरे बताने से पहले पहचानिए कि ये कौन सा पत्ता है। जिन जिनको पता है तो वो सोच सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो अपने मन में सोचे ओ उन्हें ये पत्ता नहीं पता। तो ये है पुदीना का पत्ता, ठीक है, जिसको आप घर में बहुत आसानी से गमले में लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आपको जड़ के साथ ही लगाना है। आप जब कभी मार्केट से सब्जी में लेके आते हैं पुदीना, उसकी भी जड़ है उसके साथ भी लगा दीजिए, नहीं तो जैसे अगर कभी ये डंडा बीच में टूट जाता है, इसको भी आप कहीं पर भी लगा दीजिए। देखिए ये वाला जो पत्ता, ये बीच में टूट गया था, मैंने ऐसे ही लगा दिया, और अब इसने भी नए पत्ते देने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ मैं लेने वाली हूँ, जैसे ये बड़ा पत्ता है, बड़े पत्ते हैं, तो हम 2 पत्ते पुदीना लेंगे, और अगर छोटे पत्ते हैं तो आप 3 पत्ते ले लें। तो ये 2 पुदीने का पत्ता काफ़ी है हमारे इस ग्रीन टी में नया रिफ्रेश फ्लेवर लाने के लिए। यहाँ पे हमारी जो सौंफ है वो वाले पानी में उबलना स्टार्ट किया है, और उसी में हम डाल देंगे हमारे ये 2 पुदीना के पत्ते। और इस पानी को हमें तब तक बॉईल करना है जब तक वो हाफ हो जाए। हमें फुल मग भर के ग्रीन टी नहीं पीना है, उतना ज़्यादा क्वांटिटी में भी पीना सेफ नहीं है, इसलिए हम इस पानी को जला के हाफ करेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है सौंफ का और पुदीने का, वो उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसको उबलने देते हैं पहले। तो पानी जो है वो बहुत जल्दी उबल के आधा हो जाता है, तो उसको छोड़ के कहीं जाए ना ज़्यादा इधर उधर। अब गैस की फ्लेम हम करेंगे बंद, और इसमें अब जाएगा हमारा मेन इंग्रेडिएंट ग्रीन टी। तो यहाँ पे मैं जो ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ वो है ऑर्गेनिक इंडिया का तुलसी ग्रीन टी। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है, लिप्टन से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जिन जिनको लिप्टन ग्रीन टी पीना अच्छा नहीं लगता है, वो एक बार ये वाली ग्रीन टी ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये देखिए इसमें जिप लॉक ये रहता है, तो इसको आप खोल के वापस बंद कर सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं कि आपको किसी डब्बे में ही खाली करना है, और इसको सिर्फ इस तरीके से ऐसे उठाएंगे, और इसको हम डाल देंगे हमारे इस गर्म पानी में, और इसको अब हम 5-7 मिनट ढक के छोड़ देंगे, ताकि जो ग्रीन टी के जो भी उसमें न्यूट्रिशन है वो सब इसमें मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें पियेंगे छान के। ये वाली भी ग्रीन टी जो है, इसमें देखिए लिखा है कंटेन्स कैफीन, तो इसमें भी कैफीन की मात्रा है, तो इसको आप कभी रात में ना पिए। कि जैसे कहते हैं कि जो मेन मील आप खाते हैं उसके खाने के 1-2 घंटे बाद आप ये ग्रीन टी लें, तो ये ग्रीन टी आप रात में ना लें, वरना आपकी जब इसको रूटीन हो जाएगा आपको, तो नींद हो सकता है आपकी ख़राब हो जाए, आपको नींद जल्दी ना आए। और ये है 195 रुपये का 100 ग्राम का पैकेट।
तो जब तक यहाँ हमारी ग्रीन टी सेट हो रही है, इस कप में हम डालेंगे, आप देख सकते हैं ये बहुत छोटा चम्मच है, 1/4 टीस्पून या फिर 1/8 आप इसमें ले हनी, और इसके साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा नींबू का, इसका हम निचोड़ेंगे रस, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है वरना वो आपको खट्टा खट्टा लगेगा। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे जो ग्रीन टी है वो सेट हो गई है, इसका कलर आप देख सकते हैं पानी का चेंज हो गया है। दिन में आप जैसे दो बार ग्रीन टी पीते हैं तो इस तरीके से आप बना के पी सकते हो, उसके बाद जब आपको आदत हो जाएगी तो आप एक टाइम इसी तरीके से प्लेन ग्रीन टी बनाएं और एक टाइम ये सौंफ और पुदीने का ग्रीन टी बनाएं। जैसे अभी इसको मैं सुबह 11 बजे पी रही हूँ, इसका मैंने खाने के बीच में 2 घंटे का गैप दिया है, क्योंकि 1 बजे हम लंच कर लेंगे, 1 से 1.5 बजे, और या फिर जैसे दूसरा आप ग्रीन टी जब पियेंगे तो आप अगर 1-2 बजे खाना खा लेते हैं तो 4-4:30 बजे आप ग्रीन टी पिए, तो इस तरीके से आप 2 घंटे का गैप कम से कम दें। तो ये ग्रीन टी हमारी बनके तैयार है, तो इस फ्लेवर के साथ एक बार इंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।